जब हम ओनली सेट घर पर ही बना सकते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव हमें बाजार से लेने की क्या जरूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओनली सेट बनाना के आइडिया और साथ ही मैं कुछ डेकोरेशन भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जिससे आप भी अपना घर पर ही ओनली सेट बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ ओनली सेट की डेकोरेशन बनाना भी बताया था और डेकोरेशन भी शेयर करी थी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो भी देख सकते हैं। और साथ ही मैं फेस्टिव डीआईवाईज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे फेस्टिव डीआईवाई की, तो आप लोग वहाँ जाके वो भी चेक कर सकते। चलो भाई अब बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी के जो ये बड़े वाले दिए आते हैं उन्हें मैंने गोल्डन कलर से कलर कर लिया है। तो गोल्डन कलर ये मेरे पास रखा हुआ था पहले से, ये ऑयल पेंट है बेसिकली, तो ये मेरे पास रखा था, मैंने उसे जस्ट कलर कर लिया है। आप इसके जगह एक्रेलिक जल कलर जो आते हैं वो भी उसे कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रे पेंट भी ले सकते हैं। साथ ही में अब ये पहले मैंने उल्ली बनाई थी जो कि आपके साथ शेयर करी थी, इसमें भी मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर से ही कर दिया है। और साथ ही में ये मैंने पूरा उल्ली सेट बनाया था, ये स्टैंड बनाया था मैंने उल्ली सेट का, तो इसे भी मैंने गोल्डन कलर से कवर कर दिया है, क्योंकि जो मैंने पहले कलर करा था स्प्रे पेंट करा था बेसिकली, तो थोड़ा डल हो गया था, इस वजह से मैंने इसमें नया पेंट कर दिया है और इसमें नई जान आ गई है। नेक्स्ट मैंने ये रिंग ले ली है जो एम्ब्रॉयडरी वाली आती है, उन दोनों को अलग अलग कर लिया है। और यहाँ पर मैं गेंदे की माला ले रही हूँ और इस रिंग में हमें पूरी कवर कर देनी है, तो दोनों रिंग को मैं इसको अच्छे से कवर कर दिया है। ये अब मैं डेकोरेशन के लिए करूँगी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैक साइड यहाँ पर डेकोरेशन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी वॉल ये वाली खाली है और थोड़ा सा डल हो रहा है पीछे, क्योंकि आप अभी पेंट नहीं हुआ है, अभी बच्चे तो छोटे हैं, इस वजह से अभी नहीं करा रहे हैं, बाद में कराएंगे। तो यहाँ पर मैं आर्टिफिशियली गेंदे की माला ले रही हूँ, आप रियल फ्लावर्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में अब जो हमने ये रिंग तैयार करी थी वो उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और बीच में थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था, तो इस वजह से मेरे पास ये गोल्डन और पिंक कलर की माला रखी थी एक, उसे मैं यहाँ ऐसे करके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हैंग कर दूंगी, तो थोड़ा अच्छा सा लुक हो जाएगा। आप इसकी जगह फ्लावर भी बना सकते हैं पेपर का, वो भी इसके बीच में स्टिक कर सकते हैं। आप इसमें लोटस भी लगा सकते हैं जो आजकल आ रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप वो भी लगा सकते हैं। साथ ही में मेरे पास जितने भी माला हैं ये आर्टिफिशियल वो भी लगा दूंगी मैं, और थोड़ा ऊपर मुझे खाली सा लग रहा था तो ये मैंने टी लाइट होल्डर बनाया था, तो ये 2-in-1 है, आप इसे वॉल पे भी लगा सकते हैं और टी लाइट होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ मैंने ले लिया एक घड़ा जिसको मैंने होल्ड करने के लिए जो टेप आता है ना उसको लिया, उसका यूज़ करा है, और इसमें मैं गेंदे की माला ही डाल रही हूँ और एक डिज़ाइन एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। ये डेकोरेशन आप अपने दिवाली पे किसी भी कॉर्नर पे कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये डेकोरेशन। मैंने पिछले साल भी डेकोरेशन करी थी, वो मैंने अपनी एंट्रेंस में डेकोरेशन करी थी। तो यहाँ पर मैंने एक ही घड़े का यूज़ करा है, आप दो घड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक ही था तो मैंने एक का यूज़ कर लिया है। साथ ही मैं अभी अपने ओनली सेट यहाँ पर मैं लगा दूंगी, तो मैंने ये 3 साइज़ बनाया था डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का, और इसे भी मैंने कवर कर दूंगी गेंदे की माला से। इसकी जगह आप गुलाब की जो पत्तियाँ आती हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मेरे पास जो सामान अवेलेबल था मैंने उससे यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट करी है। ये नहीं है कि हमारे पास सारे सामान ही हो, जो है हमारे पास हम उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने ये जो प्लेट कलर करी थी वो रख रही हूँ, और इसके चारों तरफ ये गेंदे की माला लगा रही हूँ। बाद में मैंने ये चेंज कर दी थी, मुझे येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा था तो दूसरा वाला लगा देता। और साथ में अब जो हमने ये दिए कलर करे थे इनको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देख जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ गया है ना, तो अब ये जो माला है मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो येलो वाली मैंने हटा दी है, तो कितना प्यारा सा हमारा ओनली सेट बन गया है। ये ऑनलाइन भी बहुत सारे ओनली सेट मिल रहे हैं, आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट मुझे बहुत कॉस्टली लगते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा घर पर ही बनाती हूँ, कम खर्चे में मैं अपने घर को सजा लेती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने डेकोरेशन का फाइनल लुक कैसा लगा है, कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे कॉन्टेक्ट मेरे चैनल पर आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ, पूरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा।